हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने ब्लू स्टार का डेल्टन विंडो एसी। इसमें क्या है, पानी की दिक्कत हो रही है, वहाँ आप देख रहे हैं पीसीबी के पास भी पानी आ रहा है। अगर पानी गिरता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा है, बाकी नीचे पानी बह गया है, ये सब विंडो एसी से ही पानी गिरा है। तो ये क्या रीज़न है, अगर आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये फिल्टर है, फिल्टर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी था, इस वजह से पानी आता है। और दूसरी बात ये, अगर इसमें बहुत ज़्यादा आइस आती है, अगर गैस कम है तो यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है और फिर उसका जो है पानी बन के कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आइस जो है पानी कन्वर्ट हो जाता है जब ये एसी ऑफ होता है तब। इस वजह से भी पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। बाकी मैं दिखाता हूँ, फिलहाल यहाँ पर सब कुछ ठीक है, गैस पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा है गिर रहा था। अब मैं बैक साइड आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड जाके इसका होल अगर बंद हो जाता है तब भी पानी जो है बैक साइड नहीं गिरता है और सारा पानी आगे आता है, या फिर ये डिसबैलेंस होता है एसी आपका जो है, इसका फ्रेम ठीक से नहीं लगा होता है तब भी वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगा। अगर ये थोड़ा लेवल नहीं होगा नीचे की साइड तब भी पानी आगे आएगा पीसीबी से, पीसीबी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी ये सारा पानी जो आ रहा है मैं आपको बैक साइड लेके चलता हूँ, जो दिक्कत है वो दूर करते हैं। तो ये जो है मैं बैक साइड आया हूँ, बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ। और एक दिक्कत और है यहाँ पर, जो कूलिंग ये कहते हैं कि कूलिंग ठीक नहीं करता, वो ये है कि यहाँ पे बार बार कंप्रेसर ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये जो एसी लगाया है जिसने भी, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वेंटिलेशन है, इसकी हीटिंग जो है प्रॉपर तरीके से ऑफ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से पानी भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, क्योंकि ये जो है ब्लॉक हो गया है, इसी वजह से यहाँ से पानी नहीं आ रहा है। ये होल जो है इसका, इसके अंदर से जो भी गंदगी है वो निकाल के उसके बाद ही ये ठीक होगा। तो उससे पहले क्या है, पहले तो इसको हम एसी को ऑफ पर आते हैं, फिर उसके बाद इसको साफ करके नीट एंड क्लीन करके उसके बाद यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होगा। तो ये जो है बिल्कुल सूखा पड़ा है, आगे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। इसकी जो ट्रे होती है, ट्रेन ट्रे जो हम बैक साइड लगाते हैं यहाँ पर, तो ये होल बंद हो गया, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले क्या है, एसी को हम पीछे लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल के, एसी को निकाल के उसके बाद हम इसको जो गंदगी है उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद पानी बैक साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये जो कूलिंग नहीं कर रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बंद है बिल्कुल, तो इधर से कैसे कूलिंग करेगा। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ओपन एरिया है, मतलब यहाँ से अगर दरवाज़ा खोलते हैं तब तो थोड़ी बहुत हीटिंग यहाँ तक आ रही है, तो इसी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है। अगर गेट बंद हो जाएगा तो और भी कूलिंग नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये, इसकी जो विंडो है, हालांकि पानी के लिए मैं आया था, मैंने भी नहीं देखा था कि बाहर का सीन ऐसा ही बार बार कंप्रेसर कट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो फैन लगाया, इससे कि हीटिंग ऑटो, फिर भी वो काम नहीं करेगा, उस तरीके से कूलिंग नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिल्कुल बंद है, इसका वेंटिलेशन नहीं है जो हीटिंग ऑट करे, इसी वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है और वहाँ पे कूलिंग ठीक से नहीं कर पाता, ये दिक्कत आ रही है। बाकी पानी की जो दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी, अगर डिसबैलेंस होगा तब भी पानी गिरेगा, या फिर होल बंद होगा तब भी आगे ही पानी गिरेगा। तो यह फिल्टर बहुत ज़्यादा अच्छी होगा, या आइस कम है तो वहाँ पर क्या, सॉरी गैस कम है तो आइस ओवर जमेगी और पूरी कूलिंग ऑयल पे आगे साइड आइस जम जाएगी, तो वो जब बंद होगा तो वहाँ पे पानी बहुत गिरेगा। तो यहाँ से क्या है, ये जो है ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, ड्रेन ट्रे हम लगा देंगे, बाकी जो भी पानी है वो उधर ड्रेन पाइप में जाके गिरेगा। तो ये बंद था, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। आगे भी अच्छा, जो वहाँ पे कूलिंग ऑयल होती है वहाँ पर भी अगर डस्ट होगी और वहाँ कूलिंग ऑयल से होके पानी गुजरता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, बहुत ज़्यादा गंदा होगा, तब भी वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि पानी आपका इस साइड नहीं आएगा। तो आप आगे का भी देख लें, जहाँ से आगे से कूलिंग कॉयल के जस्ट पास से, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों साइड से पानी आता है, तो उसको भी देख लें। फिलहाल यहाँ पर क्या, ये ब्लॉक था, ओपन कर दिया, पानी आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ से क्या है, एसी हटे या फिर ये दीवार टूटे तब जाके ये एसी कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, अगर ऐसी जगह कहीं भी इस तरीके से अगर स्पेस है तो वहाँ पे कूलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हीटिंग यहाँ से ऑट नहीं हो रही, कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, इसी वजह से वहाँ पर कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कूलिंग इसी वजह से नहीं हो रही है, यहाँ पर दीवार है इसके पास में जस्ट एसी के। तो ये सारी दिक्कतें हैं पानी की, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यूज़ हिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।